अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज ईमान में रखे। यूनिक किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम थोड़ा हटके थोड़ी डिफरेंट रेसिपी जो है वो बना रहे हैं। ये उन परदेसियों के लिए हैं जो दियार ग्यार में मकीम हैं, और पंजाबी ये रेसिपी है, पंजाब की बहुत ही फेमस है। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं वो इसको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि साग जो है वो बाहर वाली किसी भी कंट्री में मिलता नहीं है, बिल्कुल खालस प्योर और फ्रेश। लेकिन ये मैंने कहा चलो थोड़ा सा तड़का लगा लेते हैं अपनी तरफ से, तो कुछ ना कुछ तो हासिल हो ही जाता है। तो साग बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ऑयल लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, बाकी इसमें बटर डाल लेंगे। इसके साथ एक छोटा सा प्याज है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके साथ ये मेरे पास नमक है, ये 1/4 टीस्पून है, और इसके साथ रेड चिल्ली पाउडर है, ये 1 टीस्पून है। इसके साथ ये ग्रीन चिलियाँ हैं, 10 ग्रीन चिलियाँ हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है। इसके साथ ये मेरे साथ ही 1 टेबल स्पून मेरे पास है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये 1 किलो पालक है जिसको मैंने वॉश करके काट के बारीक बारीक बॉईल कर लिया है। और इसके साथ ही मेरे पास ये 2 डिब्बे हैं साग के, ये डिब्बे का साग है, लेकिन हम इसमें देसी तड़का लगा के थोड़ा सा टेस्ट को जो है इंजॉय कर सकती हैं साग को। वैसे जो प्योर साग है वो तो नहीं मिलता है, लेकिन चले थोड़ा चस्का वस्का लग ही जाता है। तो चले शुरू करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पैन मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है, चूल्हा ऑन कर दिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे ये ऑयल, ऑयल को थोड़ा गर्म करेंगे। और फिर इसमें ऐड कर देंगे ये प्याज जो मैंने बारीक बारीक काटे हैं, ये इसमें डाल देते हैं और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें प्याज हमारी फ्राई हो गई, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको भी हल्का सा फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे ये नमक और रेड चिली पाउडर, और इसके साथ ही डाल देंगे ये ग्रीन चिल्ली जो मैंने चॉप की हुई है। इन सबको अच्छे से फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये देखिए मसाला हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ये जो पालक मैंने बॉईल की हुई थी इसी के पानी में मैंने बॉईल की, इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया था, ये ऐड कर देंगे। इससे साग आपको जो है बहुत ही मज़े का लगेगा, बहुत मज़े का साग बनता है ये। तो पालक जो है इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये देखिए पालक अच्छे से जो है वो फ्राई हो गई है। अब इसमें साग ऐड कर देंगे, दोनों डब्बे ऐड कर देते हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए साग हमारा पक रहा है, बस थोड़ा सा इसको पकाएंगे और इसके बाद जो है वो चूल्हा बंद कर देंगे, और जब सर्व करने लगेंगे तब इसमें बटर और सब्ज धनिया जो है वो ऐड करेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, परदेश में रह के देश का मज़ा लीजिए। साग को आप रोटी के साथ भी खाएं, और क्योंकि मक्की का आटा तो मुझे मिला नहीं, अगर मिल जाता तो मक्की की रोटी भी बना लेते साथ। तो वैसे तो मक्की की रोटी और साग ही फेमस है, लेकिन चलें जी रोटी जो चक्की के आटे की रोटी बनाएंगे। अगर आप चाहें तो पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमारा मज़ेदार सा साग जो है वो बनके रेडी हो गया है। परदेस में लगाइए देसी तड़का, इंजॉय कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।